खाना तू खा बातें पचा सलिल के साथ छोटे ब्रेकफास्ट बुधवार पे तुआ। मुझे तो लगता है ये मेरे लिए एक एक्सक्यूज होता है बाहर जाने के लिए। ब्रेकफास्ट बुधवार में मजा इसलिए आता है मुझे क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट बाहर हो जाता है और बुधवार के दिन होता है। आज मेरे पास एक ऐसा लड़का है जिसे टी शर्ट ऐसी पहन रखी है, फर्स्ट हाफ मुझे बहुत पसंद है भाई क्योंकि मैं भी बड़ा जिम करता हूँ। अनमोल रतन आ जाओ मेरे ब्रदर। थैंक यू सो मच सलील, वेरी पॉपुलर यंग क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड जिसके भाई जिम में लिखा हुआ यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे एक डंबल बना रखा है आपके गले पर है। इसकी आज एक स्टोरी बड़ी हम लोग सुनने वाले हैं। एंड somebody that who makes very relatable videos, always तुमने यही सोचा ना कि पब्लिक के साथ रह के पब्लिक के लिए रिलेशन बनाना चाहिए। एग्जैक्टली, रिलेटेबल कंटेंट डालो ताकि उनको लगे कि यार ये बंदा हमारे बारे में कुछ तो बोल रहा है। हमारे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। हम लोग अंदर जाने वाले हैं, ईट अराउंड द कॉर्नर वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रेस्टोरेंट्स क्योंकि यहां पे ब्रेकफास्ट जो होता है बुफे सर्विस होता है। इट्स ब्यूटीफुल, लेट्स कम। सो वेलकम, जैसे कि अंदर आ गए हैं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं थोड़ा खा पी लेता हूँ सुबह। तुझे भूख लग रही है? बहुत। ओके, सो बेसिकली लेट्स जस्ट सैलेड वैलेड मैं सुबह नहीं खाता हूँ। अच्छा, पोस्ट वर्कआउट आई थिंक सो, यू आर नॉट रॉन्ग। सो दिस इज बेसिकली डाइट स्प्रेड। नाउ यू कैन ऑर्डर व्हाट यू वांट। आई हैव मैं एक्चुअली पहले ऑलरेडी बता दिया मुझे क्या खाना है। ओके, व्हाट डू यू वांट, व्हाट वुड यू वांट? Maybe we can go to pasta and something like that. Okay, pasta ho jayega. Any good pasta? Just make any non-veg? Yeah. Haan, non-veg pasta banate hain. So generally speaking, let's just find out more about you, yaar. So basically, I'm from Mumbai, Guregaon. Haan. I said Guregaon. Mujhe abhi maloom pada ki aap bhi Guregaon se. Main Guregaon, main actually kya hai na, ek aisi jagah mein rehta hoon, jo Guregaon bhi hai, Oshiwara bhi hai. हमारे तीन पिन कोड है पता है? ओके, रियली 62091 एंड 104। ओह गॉड, तो जब हम एक बैंक का 104 आता था, दूसरा का 62 आता था, फिर 90 वाला आता था। ओके रियली, सो मैं वहीं से बिलोंग करता हूं जहां पे आप रहते हो। सो बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन लाइक आई एम अ जिम ट्रेनर इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट आई सी डिसाइडेड गोरेगांव। सो उसके बाद मैं एम अ कंटेंट क्रिएटर। So it's been like 2 years I am doing a content. तुम्हारा जिम का कंटेंट कम है तुम्हारे। Exactly, क्योंकि तो you are a gym trainer. क्योंकि अगर मैं जिम का कंटेंट जिम में शूट करूंगा तो they will like firing me. क्योंकि अगर तू 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 प्रोटीन बेचने का बता रहा है, तू पर्सनल ट्रेनिंग कैसे होता है ये बता रहा है, तो they will like भाई they don't they're not okay. Okay, they are not okay with it. But they are happy because they have this celebs and all coming into the gym and I'm training them, but they are not okay with this thing. So they are happy कि एक famous personality being a gym trainer is working with the team and with the this. And apart from that, those also I'm a content creator. Nowadays people before pandemic there was not reels nahi the, there was only Instagram jahan pe 2 minute ke videos bante the, aapko hi pata rahega. To jahan pe to difficult tha to entertain people around there, and now everybody from like 16 saal se leke 40 tak ke everybody is there, a huge audience. So iske na 2-3 videos aise viral gaye, 6-7 million views aaye. Exactly, to realize hota hai, lekin pata kya hai usme non-stop virality bahut mushkil hai. Very true, very true. Matlab aapke na agar ek pehle hota tha कि अगर आपका एक दो रील मिलियन में चले जाए तो उसके बाद भी बड़े सारे आने लगते हैं। वेरी ट्रू, बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा भी सलमान भाई के साथ रील में 2.8 मिलियन गया, उसके बाद 35,000 मतलब कि तू दिखाना क्या है, मतलब हम करेगा, हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि बादल बरसा पानी, नो, वी हैव टू गिव द ऑथेंटिक कंटेंट पीपल बिकॉज़ वी हैव हमें जो जो न्यू जनरेशन है उनको भी नहीं बिगाड़ना है, और जो 30s 40s वाले उनको भी समझाना है ये व्हाट इज अबाउट, लाइक माय कंटेंट इज ऑल अबाउट लव इट अभी एंड माय कंटेंट इज ऑल अबाउट सोशल मैसेज एंड ऑल दैट। ये सैंडविचेस बन रहे हैं हमारे। ओह नाइस, दिस इज गुड एक्चुअली, पोस्ट जिम दिस इज गुड। तूने अभी वर्कआउट कर लिया? हां, मैंने वर्कआउट कर लिया। आज तो यार अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं। आई एम लविंग द फैक्ट दैट यू नो वी कैन ईट विद देम आल्सो। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं, बाकी रेडी सिटी मुंबई पर ये पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड इसका एक अब्रिज्ड वर्जन अनमोल भी डालेगा अपने हैंडल पर, सो इट विल बी क्वाइट कूल। अभी फिलहाल थोड़ा खाना और पेट पूजा हो जाए। पेट पूजा जरूरी है। एंड वेलकम टू ब्रेकफास्ट बुधवार। आज बुधवार हम लोग बहुत ही खूबसूरत लोकेशन ईट अराउंड द कॉर्नर। मेरा बचपन एक्चुअली यहाँ पे गुजरता था जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकफास्ट खाने आते थे। Really? आज लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट बुधवार पर आए हैं विद अ बॉय हु इज इन द पल्स ऑफ द यूथ। क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि कॉन्टेंट क्रिएट कैसे करते हैं। सो एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, मतलब मैं भी हूँ, आप भी हैं, आपकी मम्मी भी हैं,
बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि यू बिकम इन्फ्लुएंसर्स. शायद ये भी जर्नी एक अलग रहती है. बट अनमोल थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. गोज बाय द नेम अनमोल रतन. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलवेज मेरे लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है. मेरा खाना पहले आया था और मेरा कुछ नहीं. तुम जिम ट्रेनर हो शर्ट तो दिखाओ. नॉटी फेलो, वेरी नॉटी फेलो. आप समझ गए ना? समझ गए, समझ गए. अभी कैरेट जूस आया इसके लिए तो मैं इतना ही आया है. अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ. बट लेट्स हियर योर जर्नी यार. लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग जर्नी रहती है. बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं. तुम एक जिम ट्रेनर भी हो. राइट राइट. तो क्या तुमने इसको इसलिए किया क्योंकि तुम और पैसा कमाना चाहते थे या क्यों? नो, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली मैं को कंटेंट क्रिएशन बहुत सालों से, मतलब मैं व्हेन आई वाज इन द कॉलेज राइट नाउ, मुझे तब से आई कैन से कीड़ा मैं को बड़ा आता था कि आई एम बीइंग अ वेरी एक्सट्रोवर्ट ना, आई कैन टॉक टू एवरीबॉडी. Correct. भले वो भाजी वाला हो या किसी से भी हो. तो मेरा तब से ही था कि यार मुझे ऐसा कुछ तो करना है ताकि लोगों को अच्छा लगे. सो आई हैव दिस थ्री थिंग्स जस्ट लाइक आई सेड, लवी डवी. आई हैव अ सोशल मीडिया सोशल मैसेज जहाँ पे मैंने अ डे हैज अ हैंडीकैप आई डिड विच गोज विच वेंट अराउंड 7.8 मिलियन, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र भी गया था. लोगों को काफी पसंद आया था और मुझे डीएम्स और मेल्स आए थे. लोग इसको रियल मानते हैं, मतलब कई बार लोगों को लगता है कि यार ये सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए कर रहा है. वेरी ट्रू, बट इट वाज नॉट लाइक दैट बिकॉज मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मैंने मेरा एक हाथ पीछे रखा था और मैंने पूरा दिन उसको किया था. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन नेवर यूज ओनली माई वन हैंड. इट्स लाइक आपको भी हुआ रहेगा ये चीज़ें. फिर उसके बाद मैंने एक पैर का किया था मूविंग ऑल द वे. आई ट्रैवल्ड बाय ट्रेन विद वन लेग एंड विद वी हैव दिस थिंग जहाँ पे वी यूज द व्हाट वी से. पहले लोग बोलते थे कि क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ लोगों ने बोला. तो दिस इज द मैजिक. या आई हैव इट. सो ये ऐसा था कि पहले लोग बोलते थे क्या कर रहे हैं, अब बोलते लोग क्या कर रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द मैजिक ऑफ दिस वर्ल्ड. सो आई रियली लव इट एंड व्हेनेवर आई गो एनी स्टेशन वेदर इट इज अ कल्याण, डोंबिवली, अंधेरी, गोरेगांव या फिर मैं चर्चगेट साइड पे जाऊं तो लाइक आई हैव अ फीमेल फैन बेस मोर. So the basically wherever you can go, they actually bada ulta hai pata aap dekho agar podcast mein dekhte ho to male fan following zyada hoti hai to I have a female fan base because main women empowerment ko lekar zyada focus karta hu and they love it because they are like ki are you real in real kya physical real mein dikha rahe ho kyunki I am morely believe in periods wala thing so some way or the other I talk about the period thing I when I have a marines wala thing so I'm the first person I would like to share this thing. I'm the first person. I put out a video of free hug. हाँ मैं देखा. 2022 and now every Sunday if you go to the Sunday Marines, everybody is doing it. But my motive was like for me hug is heal, which is very true. तो उसमें अजीब लगा था ऐसे तुम खड़े हो तो लोग मतलब basically वो board लेके खड़ा था free hugs और जो भी चल रहा है हाँ उसको आना है hug करना है. तो तेरे को ऐसा लगा था कि यार क्या पता अगर लोग नहीं आए तो. हाँ ये तो मेरा सबसे बड़ा क्योंकि this was my 40s. और थोड़ा मिडिल क्लास क्राउड भी है. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आर यू गोइंग टू जज मी? प्लस मैंने ये भी देखा था कि लड़कियों ने भी तुम्हें आके हग किया. हां वेरी ट्रू एंड दे वर सो एनर्जेटिक लाइक वाओ यस. एंड आई जस्ट 5-10 लोगों का खाना है. लव इट, बहुत बढ़िया है. सो at that time I was like very nervous, like is it going to work, are the people are going to entertain me, or like this was very true and it was just very new for people around. They have seen content about different genres, but this was something like if somebody is holding a board and then like I was like nervous. Or the bad part is wahan pe police bhi thi. Police ka van bhi tha and I was like ki fir wo bhaga denge, ye kya kar raha hai. और ऑलमोस्ट 2022 का कंटेंट है एंड देयर वाज कोरोना एज़ वेल. हां करेक्ट. वो हल्के में भी लोग डर रहे थे वहां था. तो यार देन देयर वाज अ वेरी यूथ हु वर लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड दे वर लाइक ओह एंड सम ऑफ देम वर लाइक आई जस्ट हैड अ ब्रेकअप एंड आई रियली फील गुड कि आई हग्ड यू. सम ऑफ लाइक मैं मुंबई से मेरे नेटिव से बाहर हूं, मैं मुंबई में रहता हूं और मेरे को अच्छा लगा. तो दिस वाज वेरी गुड थिंग फॉर मी. और ये होता है ना कई बार लोग को समझ में नहीं आता है कि वेदर इतने सारे लोग शुरुआत ही इसकी की थी क्योंकि जैसे आप हम भी इतने लोगों से मिले नहीं थे बहुत सालों से. और मुझे लगता है कि यही एडवांटेज रहता है जब लोगों से मिल पाते हैं. बहुत सारे लोग
करना चाहते हैं, मैं इतने सारे हाउसवाइफ्स को जानता हूँ, आपकी जैसे फीमेल फॉलोइंग बहुत है, हमारी हाउसवाइफ्स की पॉपुलेशन बहुत है, वो लोग भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, सब लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ हाउसवाइफ्स से मिला हूँ जो साड़ी पहन के जिम भी जाते हैं, लविंग इट दैट दैट, तो मुझे लगता है कि नया दौर आ चुका है, नया दौर आ चुका है, एंड यूट्यूब सोशल मीडिया एक अलग पहचान बन गई लोगों के लिए, दिस इज द रीजन व्हाई ब्रेकफास्ट द्वार पर मैंने सोचा कि आज अनमोल रत्न, दैट्स व्हाट ही गोस, RATEN रत्न है ना, तो ही गोस बाय दैट नेम ऑन सोशल मीडिया, थैंक्स सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, एंड बाय द वे टू बी पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट बुधवार सिंपल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लाइक यू ऑलवेज नो, एंड ऑलवेज रिमेंबर आपको अकेले आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खाना इतना होता है कि भैया खत्म ही नहीं होता, थैंक्स सो मच एंड टेक केयर, थैंक यू. City. Rug में दौड़े सिटी.